है बड़ा मज़ेदार, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, तो ऐसे दिन में सैर सपाटा करने का मज़ा तो कुछ और ही होता है। तो चलिए ना आज डे आउट करते हैं मम्मी जी के साथ। भाई किसकी मम्मी जी के साथ? नहीं नहीं मेरी मम्मी के साथ नहीं, वो तो मैं घर जाके स्पेंड कर ही लूँगी, लेकिन आदित्य हुडा की मम्मी के साथ, यानी कि भाई परिणीता के साथ। मेरा नाम परिणीता बौरठाकुर है। आज लकीली मेरा शूट ऑफ है। शूट हो ना हो 7 बजे हमेशा उठना पड़ता है क्योंकि मुझे बेटे को स्कूल भेजना पड़ता है। ऑन स्क्रीन मैं अपने ही एज के लोगों की माँ बनती हूँ पर ऑफ स्क्रीन मेरा बेटा 6 साल का है। This is the dining area. मुझे लैम्प शेड्स का बहुत शौक है, तो आप दिखेंगे हर जगह, यहाँ लैम्प शेड, वहाँ लैम्प शेड। छोटे छोटे लैम्प शेड्स जैसे हैं, एक्चुअली लैम्प शेड तो है नहीं, ये कैंडल जैसा है। सो ये मेरे छोटे से है लॉर्ड कृष्णा, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरे हस्बैंड, ये मेरा बेटा का फर्स्ट बर्थडे। जो जानते हैं मैं गाना भी गाती हूँ, तो मेरा ये प्यारा सा हारमोनियम। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, ये तो अगर जानते हैं आप बाकी बिहारी वृंदावन के, उनके स्वरूप में है। और ये कृष्णा है, दरवाजा बंद था तो उनको पहले डिस्टर्ब ना करूं, इसीलिए पहले नॉक करके मैं हमेशा दरवाजा खोलती हूँ। यूजुअली लाफिंग बुद्धा को घर के एग्जैक्टली दरवाजे के फ्रंट पे रखा जाता है, तो कहते हैं कि कोई भी नेगेटिव अगर सोच से आए वो वापस चला जाता है, और जितनी भी खुशियाँ होती है वो घर पे आती है। ये मेरे मम्मी और पापा है, जो कि तब बहुत काफ़ी यंग थे। उसके बाद ये मैं, जब मेरी शादी हुई थी आई वॉज 21, एंड ये मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी थी। ये मेरे हस्बैंड जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, ये मेरे हस्बैंड। और मेरा बेटा जब बहुत बच्चा था, ये मेरे हस्बैंड अगेन। ये मेरे पूरे इन लॉ की फैमिली है। सो ये मेरा बेडरूम है। मुझे एक्चुअली बुक्स का बहुत शौक है, सो मेरा छोटा सा लाइब्रेरी है वहाँ। मेरा छोटा सा कान्हा, इनको मैं अलग अलग कपड़े पहनाती हूँ, और ये बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं जैसे कि मेरे बच्चे हैं। बहुत प्यारे है, ऐसे नहीं है। थोड़ा बहुत तो खट्टा मीठा होता है, अपने माँ बाप के साथ भी जैसा होता है वैसा ही होता है, झगड़ते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, वो तो नॉर्मल है। ये है गीता, ये अभी पिछले 2 साल से है मेरे साथ। ये मेरे बेटे को देखती है, और मेरा बेटा जहाँ पे ट्यूशन करता है वहाँ पे वो भी पढ़ती है। मैंने क्योंकि उसको एक्चुअली वो बहुत जहाँ से है उसके घर पे उतना सुविधा था नहीं कि वो पढ़ पाए,
मिनिएचर जापी का. एक्चुअली जापी जो होता है वो यूजुअली जब टी गार्डन वगैरह में लोग पत्ते निकालते हैं वगैरह तब पहनते हैं, और ये जो डेकोरेटिव वाला होता है ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम लोगों को पहनाते हैं, या फिर बहुत लोग अपने घर पे डेकोरेट भी करते हैं. हमारा जो बिहू डांस होता है उसमें ये ढोल यूज़ किया जाता है. ये भी एक्चुअली ढोल है नहीं, ये जैसे ढोल का ही ये भी ऐसा छोटा सा डेकोरेटिव पीस है. ये है पेपा, ये भी आपने अगर बिहू डांस वगैरह कभी देखा है तो लोग ऐसे पू 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 करके बजाते हैं जो बिहू डांस के समय. वन हॉर्न राइनो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ असम में मिलता है. छोटे मैंने ये सब नकली फूलों से गार्डन बना के रखा है, पर ये तुलसी देवी है जो कि असली है ऑफ कोर्स, और ये जो रोज़ है ये असली है, ये असली रोज़ है मेरा प्यारा सा. मेरे बेटे को पास्ता बहुत पसंद है, और उसको स्पेशली पास्ता में मशरूम्स बहुत पसंद है, तो मैंने अलग अलग तरीके के मशरूम्स लाए हैं, बटन मशरूम्स, ये छोटे वाले मशरूम्स, और कुछ कुछ मशरूम जिनके नाम मुझे नहीं पता. सो ये मेरा बेटा है, इसका नाम है अरिहान चक्रवर्ती, पर हम उसे प्यार से नियोर बुलाते हैं. नियोर इज एन एसमीज वर्ड जिसका मीनिंग होता है ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदे. दिल के अंदर तो हमेशा से था कि एक्टिंग करूं, पर मेरे पापा हमेशा म्यूज़िक में ही इंटरेस्ट लेते थे, और इसीलिए मैंने क्लास 9 में ही मेरा जो भी म्यूज़ होता है दैट इज़ बैचलर ऑफ़ म्यूज़िक, मैंने क्लास 9 में ही पास किया. व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैं जब पढ़ रही थी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में थी, तो एक वहाँ के डायरेक्टर थे मुनीम बरुआ अंकल, तो अंकल ने बोला अच्छा ठीक है मेरे फिल्म में एक ये है, बहुत ही ये एक जो है एक लड़की है उस फिल्म में जो कि बहुत ऐसे बात करती है तुम्हारी तरह है ये वो, तो मैं गुवाहाटी वापस जाके मैं मिलने वाला हूँ कुछ लड़कियों से, अगर उनमें से कोई फाइनलाइज नहीं होती है तो मैं तुमको कॉल करूँगा. तो मैंने बोला ठीक है. द थिंग इज़ दैट फर्स्ट शॉट में इट वॉज़ अ ओके टेक, एंड ही वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी, मतलब दे वर वेरी हैप्पी, द होल यूनिट वॉज वेरी हैप्पी. इनफैक्ट उस फिल्म के लिए दैट वॉज माई फर्स्ट डेब्यू फिल्म नायक, एंड उसके लिए मुझे बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था वहाँ पर जूटी रूपा जॉइंट मीडिया अवार्ड से. सिस्टर छोटू सी, ये सेकंड प्रियांगी, और ये प्लाविता. हम दोनों एक्टर हैं, और ये हमारे एक्टर्स के बिहाइंड, मतलब कैमरा के बिहाइंड थी बहुत सालों तक. शी इज़ बीन एन असिस्टेंट, लास्ट फिल्म वाज बदलापुर.
इमोशनली और वर्बली बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम है ये सब तरफ से, मतलब गुस्सा भी होगा या इवन इफ इट्स लाइक बाल खींचते नहीं है पर मतलब डांटते जरूर है एक दूसरे को. आई थिंक सबसे ज्यादा क्रिटिक और सबसे ज्यादा डांटने वाली है. अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम. इसी तरह से छुट्टी वाला दिन आज मेरा बीत गया आप लोगों के साथ. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.